हवामान विभाग द्वारा राज्य में आगामी 7 दिवस सार्वत्रिक वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। आगामी 7 दिवस राज्य में हळवा थी मध्यम वरसाद की आगाही करी हती। महत्वनुं छे के हवामान विभाग द्वारा आगामी 2 दिवस माछीमारों ने दरियो न खेड़वा माटे सूचना आपवामां आवी हती। पहली जून थी आज सुधी गुजरात में 522 मिली वरसाद नोंधायो छे। आज गुजरात में गाजवीज साथ वरसाद रहेशे तेवी आगाही करवामां आवी हती। अमदावाद अने गांधीनगर में मध्यम वरसाद रहेशे, ज्यारे बीकानेर पासे मॉनसून ट्रफ सिस्टम ने कारणे गुजरात में वरसाद रहेशे। राज्य में सीजन नो सामान्य करता 9% वधु वरसाद नोंधायो छे। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें थंडर स्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 2 दिनों के लिए गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है, और जो विंड की स्पीड होगी वो 35 से 45 KMPH और साथ में जो गस्ती विंड होगी वो 55 KMPH के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। और रेनफॉल रियलाइज की बात करेंगे तो 1 जून से आज तक गुजरात एज ए होल स्टेट 522 मिलीमीटर रेनफॉल रियलाइज हुआ है, और नॉर्मल के हिसाब से 487 मिलीमीटर होना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो गुजरात एज ए होल स्टेट +9% नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल हुई है 1 जून से लेकर आज तक। और डिवीजन वाइज देखा जाए, सब डिवीजन वाइज, तो गुजरात रीजन में जो रेनफॉल रिलाइज हुआ है वो 604 मिलीमीटर हुआ है, और नॉर्मल के हिसाब से 631 मिलीमीटर होना चाहिए, तो -3% डेफिशियंट है नॉर्मल के हिसाब से। और सौराष्ट्र रीजन में, सौराष्ट्र कच्छ रीजन में 461 मिलीमीटर रेनफॉल रिलाइज हुआ है, और नॉर्मल के हिसाब से 370 मिलीमीटर होना चाहिए, तो +25% नॉर्मल के हिसाब से रेनफॉल ज़्यादा हुआ है सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में 1 जून से लेकर आज तक। अलर्ट है कहीं पे? आज के लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है गुजरात स्टेट के सारे, जिसमें गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं।